काशी विष्णुदास भावे नाट्यगृह में कर्मयोगी बाबा अमटे इनके आनंदवन के कुष्ठरोगी अंधमुग बधिर आदिवासी विकलांग बांधवों ने बनाए वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक मंदाताई म्हात्रे इनके हाथों किया गया। इस कार्यक्रम में नवी मुंबई महानगर पालिका के महापौर सुधाकर सोनावने, उप महापौर अविनाश लाड उपस्थित थे। शरीर से विकलांग बीमार और आदिवासी लोगों ने बनाए विविध सुंदर कलाकृति की विधायक मंदाताई म्हात्रे इन्होंने प्रशंसा की और नवी मुंबई कर इस प्रदर्शन को भेट दे और विविध सुंदर कलाकृति देखे ऐसा आभार विधायक मंदाताई म्हात्रे इन्होंने किया है। खूब आनंदाची गोष्ट आहे। पहिले म्हणजे की आनंदवनातली चित्र इथल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा बघायला मिळतील, इथल्या लोकांना बघायला मिळतील आणि कुष्ठरोगाने त्या त्या परिस्थितीत सुद्धा अशी सुंदर चित्र काढून आज इथे विष्णुदास भावेला प्रदर्शन भरवलेलं आहे। मला संयोजकांना सांगावंसं वाटतं की शाळेचे विद्यार्थी सुद्धा इथे आले पाहिजेत आणि लोकही आली पाहिजेत। मी या प्रसिद्धी माध्यमाच्या माध्यमातून लोकांना आवाहन करते की बाबा आमटेंनी केलेलं कार्य आणि त्यांच्या कुष्ठवनातले चित्र पाहायला विष्णुदास भावेला आपण जरूर या आणि हे चित्र बघितल्याशिवाय जाऊ नका। नव्या मुंबईसाठी एक चांगला उपक्रम इथे राबवण्यात आलेला आहे, त्याचा नागरिकांनी जरूर फायदा घ्यावा। इस कार्यक्रम में उपस्थित महापौर सुधाकर सोनावने इन्होंने भी इन वस्तुओं की प्रशंसा की। माणसाने मानला तर आनंद कशात असू शकतो, हा एकमेव आपण धागा जर धरला तर आनंद मानण्यामध्ये काही लोकांना पंचतारांकित सुखवस्तूमध्ये देखील आनंद मिळत नाही आणि काही लोकांना तिथे गेल्यानंतर आनंद मिळतो, हे संपूर्ण चित्रकारांनी या ठिकाणी आपल्या चित्रातून दाखवून दिले। अपने शरीर के विकलांग पर मात करके बनाई गई ये सुंदर कलाकृति देखने के लिए आप सभी इस प्रदर्शन को अवश्य भेट दें। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। बाहर का खाना खाने से और दूषित पानी पीने से बीमारी फैलती है, इसलिए कई बार बाहर का खाना टाल दिया जाता है तो भी अनेकों को फूड इन्फेक्शन की तकलीफ होती है, क्योंकि ये फूड इन्फेक्शन किचन में घूमने वाले कॉकरोच की वजह से होता है, ऐसा वैद्यकीय क्षेत्र के तज्ञों का कहना है। बाहर का खाना खाने से और दूषित पानी पीने से बीमारी फैलती है, इसलिए कई बार बाहर का खाना टाल दिया जाता है तो भी अनेकों को फूड इन्फेक्शन की तकलीफ होती है, क्योंकि ये फूड इन्फेक्शन किचन में घूमने वाले कॉकरोच की वजह से होता है, ऐसा वैद्यकीय क्षेत्र के तज्ञों का कहना है। सिर्फ कुछ दिन में घर में बाप्पा का आगमन होगा, इस समय अनेक रिश्तेदार मेहमान आते हैं, इसलिए किचन में अनेक खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। घर में बहुत लोग होने से खाद्य पदार्थ की ओर ध्यान दिया नहीं जाता। खाद्य पदार्थ खुले रहने से किचन में कॉकरोच का प्रमाण बढ़ने की संभावना होती है। खाद्य पदार्थ का पानी खुले रहने से कॉकरोच की वजह से ये दूषित हो जाता है। कॉकरोच खाद्य पदार्थ और बर्तन पर घूमने से, खाद्य पदार्थ और बर्तन का इस्तेमाल करने से एलर्जी होने वालों को फोड़ी आना, आंख लाल होना, आंख से पानी आना ऐसे तकलीफ हो सकती है। बाहर से घर में आने वाले कॉकरोच मल, मिट्टी अथवा सांड पानी में से आते हैं और उनके साथ जीव जंतु भी आते हैं। ये कॉकरोच खाद्य पदार्थ पर घूमने से ये जीव जंतु और गंदगी पदार्थों को लगकर शारीरिक तकलीफ हो सकती है। ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से उल्टी, जुलाब ऐसी तकलीफ होती है तो ज्यादा प्रमाण में हुई तो कॉलरा होने की संभावना होती है। इसलिए किचन साफ सुथरा रखे, खाद्य पदार्थ और पानी ढककर रखे, किचन में कॉकरोच की संख्या ना बढ़कर उसका समय पर बंदोबस्त करे, ये हर किचन की मूलभूत जरूरत है। रिपोर्ट MVTV। इस साल कम बारिश होने से महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में पानी समस्या होकर सूखा परिस्थिति निर्माण हुई है, इसलिए उस पर उपाय योजना करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जलयुक्त शिवार अभियान शुरू किया है। इस योजना को सहकार्य करके पानी बचत करें, ऐसा आह्वान विधायक मंदाताई म्हात्रे इन्होंने किया है। बारिश कम होने से महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में पानी की समस्या होकर सूखा परिस्थिति निर्माण हुई है। मराठवाड़ा के 1000 से अधिक गांव और 20 बड़े शहरों को पानी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विभाग में तकरीबन 1400 टैंकर पानी जाकर 10 बड़े डैम और 3 बांध में मिलकर 8.5% इतना जल साठा उपलब्ध है। पूरे मराठवाड़ा में बारिश न होने से 8 जिला में जुलाई महीने से पानी समस्या है। इस पर मात करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जलयुक्त शिवार
बार अभियान शुरू किया है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहकार्य करके हम भी इस योजना का एक हिस्सा बनकर मदद करें, ऐसा आह्वान विधायक मंदाताई माधे इन्होंने किया है। अपन पाहिलं महाराष्ट्रामध्ये पाण्याचं मोठं संकट आज महाराष्ट्रावर आलेलं आहे। बेवर पाऊस नाही, तीन चारदा गारा पडल्या, अवेळी पाऊस आला, असे वेगवेगळी संकट या महाराष्ट्र राज्यावर आलेली आहेत। आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण पाण्याचा दुरुपयोग करू नये, पाणी वाचवावं। पाणी हे जीवन आहे सर्वांचं। आपण एक कल्पना करा, एक विचार करा की एक दिवस जर आपल्या घरात पाणी नळाला आलं नाही तर आपले किती तारांबळ उडते। मुलांच्या आंघोळ्यात, बाथरूम, सगळ्या कपडे धुण्यापासून, भांडी घासण्यापासून, जेवणापासून आपण पाण्याचा उपयोग करतो। हे पाणी हे जीवन आहे, हे वाचवलं पाहिजे। मला असं वाटतं आज आपल्याला सगळ्यांना आवाहन करावंसं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये मुरबे धरणामध्ये सुद्धा पाण्याची पातळी कमी झालेली आहे, पाऊस तिथे पडलेला नाही जास्त मोठ्या प्रमाणात, त्यामुळे पाण्याची बचत हे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या लोकांनी आणि जनतेने केली पाहिजे। सर्वात नवी मुंबई महानगरपालिकेला आज मुरबे धरणामुळे पाणी जे मिळतं ते वाचवलं पाहिजे आणि पाण्याची सर्व नागरिकांनी मला वाटतं बचत केली पाहिजे, असं माझं आपल्या सर्वांना नम्रतेचं आव्हान आहे। मोरबे डैम इलाके में इस साल बारिश कम होने से डैम में जलसटा हुआ नहीं, इसलिए पानी की बचत करें, जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल न करें, ऐसा आह्वान विधायक मंदाताई माथे इन्होंने किया है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चव्हाण, MVTV। गणेश उत्सव में गौरी विसर्जन तक 5 दिन शहर के पालिका और सभी निजी स्कूल को छुट्टी देने का निर्णय महापालिका शिक्षण मंडल ने लिया है। स्कूल व्यवस्थापन को इस विषय में खत भेजकर इस कालावधि में परीक्षा का आयोजन न करें, ऐसी सूचना भी दी गई है। मुंबई नवी मुंबई के पूरे शहर में गौरी विसर्जन तक 5 दिन सभी स्कूल को छुट्टी देने के आदेश शासन ने दिए थे, परंतु कहीं निजी स्कूल ये आदेश मान्य नहीं कर रहे थे। इसके अलावा इस कालावधि में परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है, ऐसा निदर्शन में आया था। इसलिए आखिर पालिका शिक्षण मंडल ने गौरी विसर्जन तक शहर के सभी निजी अनुदानित और बिना अनुदानित स्कूल को छुट्टी देने के आदेश दिए है और इस कालावधि में परीक्षा न लेने की सूचना भी दी गयी है। इसलिए सभी गणेश भक्तों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। रिपोर्ट MVTV। पिठोरी अमावस्या श्रावण महीने के अमावस को आती है। पिठोरी अमावस्या वैवाहिक स्त्री अपने बच्चों के सेहत के लिए मनाती है। पिठोरी अमावस विवाहित स्त्री अपने बच्चों के सेहत के लिए ये त्योहार मनाती है। पिठोरी अमावस्या नाम आटा और मराठी में पीठ इस शब्द की वजह से इस त्योहार को मिला है। पिठोरी अमावस को विवाहित स्त्री खास करके माता अपने बच्चों के दीर्घायुष के लिए 64 भगवान की पूजा करती है। पहले इन 64 भगवान की आटे से मूर्ति बनाकर उनके लिए खास प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन सप्त मातृकास और अष्ट मातृकास इनकी पूजा की जाती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यहाँ ये अमावस पोलाला अमावस इस नाम से जानी जाती है। पिठोरी अमावस को पिंडदान करके वो मृत पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं। रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं, उसके लिए लिंक है media.mvtv। संपर्क के लिए हमारा दूरध्वनि क्रमांक है 2757-1924। आपकी प्रतिक्रिया हमें भेजनी है तो हमारा ईमेल आईडी है mvtvnews@gmail.com। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक लिए नमस्कार।